हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं फार्मासिस्ट कंचन कुमार अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ एक नए जानकारी लेकर, एक नई चीज़ लेकर, जिसको हम लोग एमोक्सिलिन भी कहते हैं। एमोक्सिलिन, इसका ब्रांड नेम एमोक्सिल है। इसका ब्रांड नेम एमोक्सिल है। एक एमोक्सिलिन एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं। जनरली तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग नोज, थ्रोट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग RTI भी बोलते हैं, उसको रोकने के लिए करते हैं। जैसे सिस्टिलिस, कॉम्प्लेक्स गोनोरोवा एंड सर्टन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी करते हैं। एमोक्सिलिन को हम लोग कंबाइन विथ क्लेबुनेट एसिड के साथ करते हैं। ये बहुत सारी बैक्टीरिया को रोकने में कारगर है। ये बहुत ही कारगर है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के रूप में, जैसे कि एग्जांपल 2 नंबर ऑफ एमोक्सिक्सिलिन 500 mg और क्लेबुनेट, पोटेशियम क्लेबुनेट 125 mg के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको किस फॉर्म में लिया जा सकता है? इसको हम लोग टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल लिक्विड या पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नॉर्मली इसको एक दिन में 3 बार ले सकते हैं, मतलब 4-4 घंटे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी ज़्यादा तकलीफ़ है तो इसको 4-4 घंटे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज 750 mg से 1.5 ग्राम तक डेली ले सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 से 2 घंटे का रहता है, ड्यूरेशन 8 घंटे का। डाइट एडवाइस कुछ भी नहीं है, आप प्रेफर्ड डाइट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज है कि ओरिजिनल कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर रखना है और बच्चों से दूरी बना के रखना है। मिस डोज होने में कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट टाइम इसके शेड्यूल के हिसाब से लग सकते हैं। अगर ऐसे भी इसको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो आप इसको तुरंत रोक दें और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। स्पेशल प्रिकॉशन है, अगर आपको इसको लेने में कोई एलर्जिक है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक में कुछ भी ले रहे हैं तो आप इसको तुरंत रोक दें। और ग्रैनुलर इन्फेक्शन फीवर है तो इसको भी तुरंत रोक दें। अगर आपके एलर्जी की बहुत हिस्ट्री है तो आप इसको बिल्कुल भी मत लें। प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई रिस्क नहीं है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो इसके डोज कम करके इसको लिया जा सकता है। अगर आप ओवर 60, मतलब 60 के ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और ड्राइविंग हजार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्कोहल के साथ भी इसको लिया जा सकता है। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या है? डायरिया, नोजिया इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। रैश होना, पेट दर्द करना, ब्रशिंग होना, गले में खिचखिच होना, इचिंग होना, खुजलाना, ब्रेथ डिफ़िकल्ट, सांस लेने में दिक्कत होना या जॉन्डिस होना इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इंट्रेक्शन क्या है? एंटीकोगुलेंट ड्रग, मतलब खून को ना जमने देने वाला ड्रग के साथ आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो उसके साथ बिल्कुल भी ना ले। या एलोप्यूरिनॉल जो है अगर ले रहे हैं, माने गुट का गॉट हो गया है आपके, तो उसके साथ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये हैवी स्किन प्रॉब्लम भी करता है। अगर टाइफाइड वैक्सीन लिए हैं तो भी आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। 3 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।